ओ मम्मा क्या कर रहे हो ये? ये कौन सी टेक्निक है? ये टेक्निक ऐसे है कि जब हम भिंडी काटते हैं ना, छुरी के साथ लग जाता है, लेस लाया है, इसके दाने दाने लेस पूरी इसके साथ लग जाती है। कहते हैं ये नींबू इसके साथ लगा लो छुरी के साथ, फिर लेस नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगती। ये तो मैं एक कपड़ा रखती हूँ किसी को साफ, यार ये पूरा लेस ना लेस ना लग जाता सी। अगर भिंडी बनाते समय भी लेस नहीं हो जाए ना, उसमें थोड़ी नींबू की बूंदे डाल लो। एक तुसी क्या तुसी है कपड़ा रखना पड़ता था। वाह मम्मा थैंक यू। तो गाइज आप भी ऐसे नींबू यूज करके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, आज है एग भुर्जी चाय चपाती। गुड मॉर्निंग, कितना तुसी सारे, वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है थोड़ा सब का। आई होप तो सारे वधिया होगे, कैंट होगे। तो गाइज आज सुबह हमारी जल्दी हो गई थी क्योंकि मैं और अर्शी 6:15 गए थे पापा के साथ थोड़ा गाड़ी का प्रैक्टिस वगैरह करने। बट यार सुबह से लाइट बंद थी और अब भी जस्ट लाइट आई, टाइम देखो 11:15 हो गए। देखा था कि डॉक्टर के पास हम गए थे तो डॉक्टर ने बोला था 2-3 दिन के बाद फिर से चेक कराना, और एक दो जगह और जाना है, वो आपके साथ साथ में बताएंगे। अर्शी क्या कर रही हो? रिफिल कर दिए। तो गाइस ये बॉटल बड़े कमाल की, अगर आपको मतलब थोड़ा थोड़ा ही चाहिए ना, जैसे ये देखो ऐसे क्लिक करके हो जाती है ये ऑयल डालने के लिए, एक्सेसिव ऑयल नहीं निकलता, जितना आपको चाहिए नीट फुल उतना ही निकलता है। यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी बैंगन की आलू की, ये सिर्फ करती है बातें, हाथ चलाती है। ये देखो हाथ चला। मैं जब आती हूँ मम्मी बनाने देते और ऐसे पीछे बोलते रहते हैं बनाती नहीं है बनाती नहीं है, ये कोई गलत बात है गाइस। थोड़ा करें स्किन केयर गाइस, बाल भी थोड़े ठीक कर लेती हूँ यार, ऐसे ना ऐसे बिखरे पड़े हुए। ये मेरी स्किन केयर इधर के लिए क्या गाइस सब्सक्राइब टू सुबह इतना लड़ रहे थे एक दूसरे के पीछे कड़छियां लेके पीछे पड़े थे, रोने पड़ गई ये पागल, खुद ही मुझे कहते तेरी और मम्मी वहां से देख रही है, मम्मी बोलते बेशरम बेशरम। आओ मम्मा के व्यूज लेते हैं हमारी इस डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग। मम्मा आप क्या बोल रहे हो, हमें शर्म नहीं है आपको? लड़ती हो झगड़ती हो फिर एक जैसी हो जाती है। एक फुल्का बनाने के बाद इसको मन नहीं था, ड्रामा बोला कैसी हो ये वो है, तो फिर रोने पड़ गई। अगर मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए। डू यू एग्री? पीछे हो नहीं, पीछे हो नहीं। कुड़ी की ना सिर खा गई है। स्किन केयर करते हैं हम थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता मैं क्या क्या यूज करती हूँ स्किन केयर में, शॉट डाली हुई है जल्दी से देख के आज। सो यार हो लिया, मैंने थोड़ा सा अपना कर लिया ठीक, गुत वगैरह कर ली, अब थोड़ा सा करते हैं लैपटॉप पे काम। जी दीदी यहाँ पे थोड़ी विस्तार में लेटी हुई है, यार कुछ काम कर रही है और मैं लगी हुई थी यहीं पे काम करने। इतना काम है, टाइम इतना ज्यादा हो गया पता ही नहीं चलता। टाइम हो चुका है 1:30 एंड अभी थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, लैपटॉप पे काम भी कर रही थी और दीदी गाने भी गा रही है और सैलेड भी काट रही है। चुकंदर यार ही बड़ा टेस्ट होता है ना, मिट्टी मिट्टी बड़ी वो होती है, जैसे बारिश नहीं होती मिट्टी की खुशबू होती है वैसे टेस्ट आता है। किधर घूम रहे हो गाइस? पापा सोए हुए थे, सोए थे ना, जब पापा को भूख लगती है फिर पापा चक्कर लगाने पड़ जाते हैं इधर, फिर ऐसे करते हैं कुछ तो अभी लंच वगैरह किया था, तो मैंने आपको कल बोला था ना कि फाइनली मैंने काम खत्म कर दिया, तो थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो बस वही खोल के बैठने लगी हूँ। सोचा था मैं 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी, 2:45 का टाइम हुआ है, सोचा था रेस्ट करूँगी, पॉसिबल नहीं लग रहा रेस्ट करना। उठो ना, अच्छी कहती उन्नी उठती मैं, फिर एक दो जगह और जाना है, एक दो चीजें लेनी है। तो अर्शी दीदी क्या रेडी हो रही है ये कपड़े पहनने की? हाँ
रेडी आ गए हैं ऊपर अपने कपड़े ढूंढने, देखने क्या डालें क्या नहीं। एंड गाइज, इस अलमीरा की शॉर्ट जो है वो मतलब जा रही है, वायरल हो रही है, तो उसमें काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इट विल नॉट लास्ट ये वो। तो ये हम बता दें कि हाँ, वो बात तो है ही है कि एक जो वुडन अलमीरा होती है उससे डिफरेंट तो है ही है। हाँ। तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ के कंपेरेबल तो इसकी कम होगी होगी, क्योंकि वो तो 2 लाख की कहीं जाके बनती है। हाँ। वो भी घर पे। और ये हमने और हमारे पास पहले स्टील की थी, जो आप बोले थे ना लोहे की लेनी चाहिए, तो हमने लोहे की बेची है। रस्ट वगैरह और आवाज वगैरह और वो बड़ा जाम हो जाती है, बड़े जाम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इसका हमने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा था कि आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा केयर के साथ। अगर आप इसकी केयर नहीं कर सकते देन आप इसको 2 साल, अगर आप बहुत ज्यादा इसको रोज दो बार खींचते हो सफाई करने के लिए करते हो, घर में आपके बच्चे हैं, हम भी आपको रिव्यू देंगे, हो सकता है नहीं भी चले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो जो है वो है। सब उन्होंने बोला था कि वो सब डिपेंड करता है आपकी केयर के ऊपर। मन भी नहीं कर रहे हैं, लग रहे हैं कपड़े भी नहीं हैं। ये है रेडी एंड कांगा जाना अर्शी, पहले तो डॉक्टर के पास जाना। यार वो 7:30 का टाइम दे रहे थे, मैंने तो रिक्वेस्ट की मेरा थोड़ा जल्दी दे दो जल्दी दे दो, क्योंकि 7:30 उधर जाएंगे फिर और जगह कब जाएंगे, तो कहते 6 बजे तक आ जाना, तो टाइम कितना हो गया, 5:30 होने वाले हैं। गलते हैं, मौसम भी बाहर सुना है ऑसम हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी तो बहुत ज्यादा है, बट कसम से बोल रही हूँ, अभी बारिश लगी हुई थी, ये देखो आपको दिख रहे हैं, ये सूख रहा है, और ये मेरे को सामने सूरज क्यों दिखने पड़ गया है। गाइस, गलत तारीफ हो गई है, प्लीज माफ कर दिया जाए, मौसम बहुत गंदा है, देखो मौसम। उन्हें बारिश लगी थी, मम्मी कहते बारिश लगी है, कैसे जाओगे स्कूटी पे। शुक्र देखा दीदी, देखो वही हेलमेट देंगे हम टूटा हुआ, ठीक है। अच्छी पहन लेगी ना, पहनती नहीं, हाथ में पकड़ के रखती है, मैं कहता हूँ चलते नवा लेके दे देंगे, नहीं नवा नहीं लेना, यूज ही नहीं होता ज्यादा। सबसे पहले अच्छी गई है, ये सामने शॉप पे कुछ ठीक करवाना था, वो ठीक कराने गई है, फिर यहाँ से चलेंगे सीधा डॉक्टर के पास। आ गए डॉक्टर के पास एंड ये आ गई मेरी प्रिस्क्रिप्शन, चलो चलिए बैठते हैं। नई बस्ती में अर्शी उस गेट से आई है, पहुंच गए, अभी डॉक्टर नहीं आए हुए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार, फिर हमें जाना है गांधीनगर इसके बाद। अब से बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब अभी आए हैं, 6:30 हो गए हैं, 5:30 आए थे। ये चक्कर लगाऊं यार, मेरे को लगता नहीं है गांधीनगर जाने होगा, क्योंकि आप देखो 6:30 हो गए हैं, तो फ्री कब होंगे पता नहीं, 7:30 तक फ्री होंगे, फिर घर ही जाएंगे, फिर मेडिसिन वगैरह। 7 नंबर आया है, अब चलते हैं। डॉक्टर बड़ी जल्दी जल्दी भी आया बेचारा, अपनी गड्डी थी लगा गया सड़क के बीच, चलो चलते हैं स्कूटी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें डॉक्टर के पास, बिकॉज वो लेट आए, और मतलब लगा लो कि 2 घंटे लग गए आराम से, अगर जल्दी आ जाते 1 घंटा बच जाता। जी, अप्सरा रोड भी कंप्लीट हो चुकी है, ये पार्किंग एरिया जैसे हम पहले बाहर पार्क करते थे, अंदर पार्क नहीं कर सकते थे, अब साइड पे लोग पार्क भी कर रहे हैं गाड़ियाँ, और साइड में वॉकिंग एरिया भी बन चुका है। पर गाइज यहाँ पे जाम काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, क्योंकि पहले पार्टीशन होती थी इस साइड और इस साइड में, बट अब एक सिंगल रोड हो चुकी है, तो जाम उतना ही है। माया मोनिका, तो मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ, क्योंकि इसमें नो मैदा लिखा है एंड प्रोटीन के लिए भी अच्छा है, बस हम यही चीज़ें अच्छी चीज़ें लेने आए हैं इस बार, छांट छांट के लेंगे। 0% मैदा हम यही देख रहे हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मैदा खाने से मना किया, तो क्योंकि कुछ केक आता है फैट फ्री, अच्छी बता प्यारी प्यारी चीज़ें, वो देखो केक्स हैं, ये वाला मेरे को मन कर रहा है, कहती नहीं खाना तू, गाइस मुझे ये खाना है, मुझे खाना नहीं दे रही, मुझे ये सब खाना है यार। कहती डांट रही है, कहती तू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी है, उसका क्या करेंगी, क्योंकि ये मीठा है सारा यार गाइस, उसकी एकदम टेढ़ी ही रहती है। ये कह रही है मुझे ये सारी मिठाइयाँ, ये गंदी चीज़ें चुक रही है, सारी हेल्दी चीज़ें ली हैं इस बार हमने, पर इसका दिल है कि नहीं यार, बकेट तो हमने भर ली है पूरी, महीने का स्टॉक ले लिया, ये पीनट बटर देख रही है, अब खोल के देखिए क्या आप क्या कर रही है, चल लीजिए तो कहीं अच्छी कराने देखिए बिलिंग, हेलमेट ले अपना अर्शी बता, ये देखो गाइस अर्शी खाने का सामान ले जा रही है, बस हमने मंगाई है आइस टी, क्योंकि कुछ पीने का मन कर रहा था, हमने कहा फटाफट पी के तो फिर चलते हैं घर, तो हम आए नेस्कैफे, टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का, डॉक्टर के पास ही इतना टाइम लगता है। एंड एज यूजुअल हाल बेहाल है, क्योंकि लाइट गई हुई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार इधर लाइट में, कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने,
पूरा अंधेरा पे देखो ऐसे कर दी है लाइट पागल होगी है कि बाहर तो आएगी नहीं शक्ल किचन में आके थोड़ा एंड कर देते हैं ब्लॉग को। तो कहीं सोचा तो बहुत कुछ था मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी दीवा से और एक दो जगह से पर टाइम नहीं इजाज़त नहीं थी। 7 बजे तो डॉक्टर से फ्री हुए फिर 7:15 पहुँचे 7:30 पहुँचे हम गांधीनगर फिर बस मोनिका मार्केट से सामान उठाया क्योंकि यार कुछ ना डॉक्टर ने अनहेल्दी खाने से मना किया तो वही चीज़ें ले रहे थे जिसमें मैदा शैदा ना हो तो फिर वो चीज़ चूज़ करने में भी टाइम लग गया तो इसलिए कहीं जा नहीं पाए। तो आगे मेरे को बड़ी गर्मी लगी हुई है अब कपड़े शपड़े चेंज कर। भूले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए खुश रहिए बाय बाय टेक केयर।